उतना दूर में, हम इतना दूर से देखा है। दिस इज निश्चय, आप सभी को मैरी क्रिसमस। आज ही मेरा पहला व्लॉग है। हम मोस्टली डांस वीडियोस बनाते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम व्लॉग बनाते हैं। बिकॉज टुडे माय होल फैमिली वी आर गोइंग टू गुवाहाटी असम। अभी मैं जहाँ पे हूँ, दिस इज सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल। यहाँ से गुवाहाटी का डिस्टेंस है मोर देन 500 किलोमीटर। तो आज हम गुवाहाटी जाने वाले हैं, मेरे पापा कार ड्राइव करेंगे, बाय रोड जाएंगे फुल फैमिली। गुवाहाटी में मेरी दादी है, मेरे चाचा है, तो हम जाके उन लोगों से मिलेंगे, अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। तो ये व्लॉग मैं इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि विच रूट इज़ द बेस्ट। बिकॉज मोस्ट लोगों का ये डाउट रहता है कि कौन सा रूट से जाना बेटर होता है, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि हम किस रूट से जाते हैं, देन कौन से होटल में रुकेंगे, हम खाना खाएंगे, ऑल दिस। और इस वीडियो में बहुत मस्ती होने वाला है। हमारा लगेज पैक हो चुका है, अभी सुबह का 7 बज रहा है और 7 बजे निकलने का तो प्लान नहीं था बिकॉज हम 6 बजे निकलने वाले थे, पर सुबह नहीं हुआ था और ठंडी बहुत ज़्यादा था बोल के हमने थोड़ा सा डिले किया। मेरे चाचा आ रहे हैं, मेरे चाचा भी जाने वाले हैं गुवाहाटी हम लोगों के साथ। तो फिर मैं हम आगे आगे बताते जाएंगे कि हम किस तरह से एंजॉय करते हैं अपने रोड ट्रिप को। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा मौसम है यहाँ पे, तो आप लोगों को दिखा सकता हूँ। वो हमारी कार है, ओके, एंड शी इज स्टैंडिंग हियर, ओके। हाय फ्रेंड्स, तो हम आप लोगों से बहुत सारी बातें करेंगे रास्ते में, काफ़ी अच्छा जो सीन्स होगा मैं वो सबको रिकॉर्ड करूँगा। ये जैकेट मैंने कल ही लिया है, आप बता सकते हैं कमेंट करके कि मेरा जैकेट कैसा लग रहा है, ओके। तो आपसे हम बात करते रहेंगे रास्ते में, आप बने रहिए हमारे साथ, बात करेंगे, एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे, ओके। सो गाइस, अभी हम रेडी हो चुके हैं, अभी बस निकलने वाले हैं कुछ ही सेकेंड्स में, बस बैठेंगे अभी गाड़ी में और हम चलेंगे गुवाहाटी। ओके लो, लगेज देखिए गाइस कितना बढ़ गया है, ऊपर भी लगेज है, नीचे भी लगेज है, हर तरफ लगेज है। गाइस हम सिलीगुड़ी से जलपाईगुड़ी आए, देन अभी हम है मैनागुड़ी में, विच इज 15 किलोमीटर फ्रॉम जलपाईगुड़ी। और ये एक बहुत अच्छी जगह है, हम जहाँ मैनागुड़ी होके देन हम आगे जाएंगे, तो मैं आप लोगों को मैनागुड़ी थोड़ा सा दिखा देता हूँ। सो गाइस, अभी हम यहाँ पे खाने के लिए रुके हैं, बहुत देर के बाद ढूंढने पे हमें एक जगह मिला है जो थोड़ा सा स्पेस मिला है, यहाँ पे हम थोड़ा शूट भी कर सकते हैं और अपना ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं। ये जगह थोड़ा सा ग्रीनरी वाला है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ये बाद में, तो अभी हम खा लेते हैं पहले। और अभी हम एक दादी माँ से मिले हैं, वो हमें बता रही है कुछ, था वो आदमी, वो तो पता नहीं है कौन है क्या है, वो तो वो बता रही है कि यहाँ पे एक लड़के को हाथी ने मार दिया, छोटा मोटा दिख रहा है। अब बताइए स्टोरी, स्टोरी बताइए, तो बताइए हाथी के बाद, बताइए आपका फिल्म हो रहा है यहाँ, बताइए हमारा क्या होगा, हमारा बाल बच्चा सो भी है, नाती पुती सो है, हाथी 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 यहाँ पे मार दिया, यहाँ पर है, यहाँ पे हाथी आता है। तो गाइस, हाथी ने एक आदमी को मार दिया था यहाँ पे कुछ दिन पहले। हाँ।
यहाँ बैठते हैं हाथी, यहाँ आके बैठते हैं रोड पे। हाँ, हम तो वहाँ पर गया रहा, वो सुबह है इधर में उतना दूर में, हम इतना दूर से देखा है उसको, बस हम चल दिया। हाँ कुछ नहीं बोला आपको? नहीं कुछ नहीं बोला। तो गाइस जैसे कि आप देखते हैं कि ये यहाँ पे रहती है, तो यहाँ पे हाथी आते रहता है, और हाथी ने मतलब उनको कुछ नहीं किया था, वो हाथी के पास आ गई थी, वो सोया हुआ था। तो गाइस ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में हम आपको बताते रहेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। हमारा अभी लंच हो गया है, हम जा रहे हैं। गाइस और 44 किलोमीटर के बाद हम पहुंचने वाले श्रीरामपुर। अभी तक 150 किलोमीटर हम आ चुके हैं अपने घर से। श्रीरामपुर के बाद हम आसाम बॉर्डर में एंटर कर जाएंगे, और वहां पहुंचने के बाद हम कुछ लंच करेंगे। भूख भी लग रहा है, मेरे अंकल ड्राइव कर रहे हैं और पापा पीछे बैठे हैं, सिस्टर मेरी मम्मी। हम इसी तरह से आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे, हम जहां पहुंचेंगे और जो खाएंगे। आप हमारे साथ रहिए। हम यहाँ पे खाने का होटल देख रहे हैं, भूख लग रहा है, सोच रहे लंच कर लेते हैं यहाँ पे। कोई अच्छा होटल नहीं मिल रहा है, देख रहे हम कुछ अच्छा होटल देख रहे हैं, लंच करेंगे। टाइम भी हो चुका है, 1 बज रहा है अभी, अभी लंच करने का टाइम है। ये रही मेरी मम्मी, हमें ढूंढने के बाद आखिरकार हमें ढाबा मिल चुका है। अभी हम यहाँ पे खाना खा लेंगे, ढाबा का नाम है बबलू ढाबा। अभी हम खाएंगे यहाँ पे, और खाने के बाद हम फिर जर्नी स्टार्ट करेंगे अपना। उनका हाथ हो क्या अभी हाथ धोलिए, खाने के सब रेडी है, मेरा वेटर है, मैं खा के आता हूँ, फिर मैं आपको। हमारा कोविड टेस्ट हुआ है, तो अभी हम कोविड टेस्ट लेके निकले हैं, और अभी हमारा गाड़ी भी सैनिटाइज हो रहा है, तो ये होने के बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। हम लोग का गाड़ी सैनिटाइज हो रहा है, अभी यहाँ पे स्प्रे किया जा रहा है कंप्लीट गाड़ी को, इसके अंदर से जाने से स्प्रे होता है यहाँ से स्प्रे। गाइस अभी हमारा कोरोना टेस्ट हुआ था, और हमारा गाड़ी सैनिटाइज किया गया था, हम लोगों को सैनिटाइज किया गया है, और मैं वहाँ का पूरा शूट नहीं ले पाया बिकॉज वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं था। तो एक आदमी था वो थोड़ा गुस्सा हो गया था बिकॉज मैं वीडियो कर रहा था, तो इसलिए मैं वहाँ का पूरा शूट नहीं ले पाया। बट नाउ एवरीथिंग इज़ फाइन, और फिर से हमने अपना जो जर्नी है वो स्टार्ट कर दिया है। एक्चुअली बॉर्डर एरिया पे शूट करना अलाउड नहीं होता है, दे आर ऑल्सो राइट, तो हमें शूट नहीं करना चाहिए था। बट मैं सोच रहा था कि मैं आप लोगों को भी दिखा दूं कि जो प्रोसेस होता है वो किस तरह से लिया जाता है। एनीवेज जितना हो पाए मैंने शूट किया, और अभी हमारा जर्नी तो स्टार्ट हो चुका है। अभी आसाम घुस गए, वेस्ट बंगाल खत्म हो गया, आसाम घुस गए। आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ अपडेट होगा मैं आप लोगों को बताते रहूँगा। गाइस इवनिंग हो चुका है, अभी बज रहा है 3:30, हम पहुंचे हैं कोकराझार, जिसको कहा जाता है बोरोलैंड, हम यहां आके पहुंचे हैं। सबको ये काफ़ी टायर्ड हो चुका है, क्योंकि सुबह सुबह सबको जल्दी उठना था, 4 बजे उठे थे सब, सबको टायर्ड हो गया है। मैं आप लोगों को दिखाता हूं एक बार इन लोगों को, देखिए गाइस आप देख सकते हैं कि यहां पे कैसे करके सो रहे हैं, यहां पे ये सो जा रही है, यहाँ पे मेरी मम्मी मेरे को चॉकलेट दे रही है, चॉकलेट खाऊंगा,
मेरी इसको देखिए सो रही है गाड़ी में। सो गाइस हम लोग ऑलमोस्ट 200 प्लस आई थिंक 300 किलोमीटर क्रॉस कर चुके हैं अभी, और ज़्यादा दूर नहीं है, और इतनी मजा आया तो मैं शायद ब्लॉग नहीं कर पाऊंगा अच्छे से, बट आई विल ट्राई कि मैं किस रास्ते में करता हूँ आप लोगों को शूट करके दिखाऊंगा। आपको मैं एक रास्ता दिखा रहा हूँ यहाँ का, द वेदर इज वेरी फैंटास्टिक, वेट हो चुका है, ठीक है, मैं चॉकलेट खाऊंगा और आप लोग वेट कीजिए, मैं दोबारा आपसे मिलूंगा आके। सो गाइस अभी हम बोरपेटा रोड पर रुके हैं, गाइस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। बोलना है नहीं, अभी कुछ बोलना है, बोलना नहीं है, पहले पास जाते फिर आपको दिखाएंगे डायरेक्ट, पास जाने के बाद दिखाएंगे। तो गाइस बैठ रहे अभी गाड़ी में, हम निकलते हैं, बैठ चुके गाड़ी में। ओ तो गाइस फाइनली हम घाटी पहुंच चुके हैं एंड इट ऑलमोस्ट 8:30। तो अभी हम लोग आपको दिखा भी नहीं सकते क्योंकि बाहर लाइटिंग के लिए लाइटिंग की वजह से पॉसिबल नहीं हो पा रहे, तो हम किसी और दिन देखते हैं। सो गाइस इट्स ऑलमोस्ट 9:30 और हम अपने घर पे पहुंच गए आके, बहुत लेट हो गया था, ट्रैफिक जाम था, बट एटलीस्ट हम घर पे आके पहुंच गए सेफली, कोई दिक्कत नहीं हुआ रास्ते में हम लोग को। मेरे चाचा है यहाँ पे, मेरे छोटे चाचा, वो वेट कर रहे थे कब से हम लोग का, ये लगेज है, हम कब से आएंगे, ये रहा हमारा लगेज, देखिए आप, हम पूरा भर के सामान लेके आए हैं, बहुत धूम मस्ती करने वाले हैं, लग रहा है कि वार्ड से आए, लग रहा है कि वार्ड से आए हैं। ये देखिए हमारा लगेज, और मैं आपको लेके चलता अपने घर के अंदर। गाइस तो देख सकते हैं कि मेरी ग्रैंड मदर वेट कर रही है कब से, आ गई है, हम लोग आ गए, कब से वेट करी थी सुबह से, अभी हम लोग आ गए, पहुंच गए आके। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हम इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहेंगे। आज का जर्नी था हमारा सेलिब्रेट घाटी, अब हमारा नेक्स्ट जर्नी जो होगा हम उस पर भी ब्लॉग्स बनाएंगे, और डांस का तो वीडियो तो अपलोड करते ही रहते हैं, वो करते रहेंगे, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए। तो हम फाइनली घर पे आके पहुंच गए, मेरा डॉगी जो है वो वेट कर रहा है वहां पे अंदर, और अभी मैं जा रहा हूं उससे मिलने के लिए। टिल देन ओके गाइस गुड नाइट।